लेडीज एंड जेंटलमैन, जिनको देखकर इंडिया के बिगेस्ट एवर डायरेक्टर श्री सत्यजीत रे ने कहा था कि ये इंडियन स्क्रीन की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस है, जिनके लिए बिगेस्ट एवर सिंगर किशोर दा ने गाया था, तुमसे बढ़कर दुनिया में ना देखा कोई और, तुमसे बढ़कर दुनिया में ना देखा कोई और जुबां पर। पहली ही फिल्म सरगम ब्लॉकबस्टर, कामचोर हिट, मवाली सुपरहिट, मकसद सुपरहिट, शराबी सुपरहिट, आखिरी रास्ता सुपरहिट, तोहफा ब्लॉकबस्टर और कितने हिट्स जैसे कि संजोग, सिंदूर, औलाद, घर घर की कहानी, माँ जिन्होंने दिया, ये है वो जया प्रदा जी। चाहे फिल्में हो या फिर पॉलिटिक्स में, जिन गिनी चुनी महिलाओं ने हमेशा अपना स्टैंड लिया है, ये वो जया प्रदा जी है। एक बार जोरदार ताला हो जाए जया प्रदा जी के लिए। क्या बात, आई लव तुझ संग प्रीत लगाई सजना, सजना सजना मुझे, हरी हरी चूड़ियां, अब तो ना
बहुत जोरदार तालियां हो जाए साइली के लिए. फैंटास्टिक साइली, सुपर्ब, फैंटास्टिक. थैंक यू. मेरे जीवन में दो लोगों के जो भूमिका है वो मेरे लिए बहुत अहम है. हमारी लता दीदी, आशा दीदी, अगर वो दोनों देवियां हमारे जीवन में नहीं होते, वो गाना नहीं गाते हमारे लिए, बात की, तो मैं आज यहाँ नहीं रह पाती. यहाँ से मैं उनको प्रणाम करती हूँ. सैली, ये अपने आप पे एक चैलेंज है आपको, क्योंकि पर्वत के इस बार इट्स ए वेरी टफ सॉन्ग. मेरे लिए ये सॉन्ग एक स्पेशल है. इसलिए स्पेशल है, बॉलीवुड में आने के लिए पहला फर्स्ट शॉट पर्वत के इस बार. लेकिन मैं एनएनसीपी साहब को धन्यवाद कहना चाहती हूँ और विश्वनाथ जी को भी, उन्होंने मुझे चुना. फैंटास्टिक, क्या बात. थैंक्स अ लॉट. बपिदा का गाना है गोरी है कलाइयां, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सॉन्ग. और बोकाड़िया जी, सो बोकाड़िया जी के साथ कई फिल्म, मतलब लगभग 10-12 फिल्म हमने लगातार उनके फिल्म्स किए होंगे. इट्स अ वंडरफुल डे फॉर मी टू रिकॉल ऑल द मेमोरीज. अगर फिर से ये गाना पिक्चराइज अगर करेंगे, सैली शुड सिंग द सॉन्ग. हाय हाय, क्या बात, क्या बात. थैंक यू, क्या बात. सैली, ऐसा लगता है कि तुम्हें अब इंडियन आइडल से कोई नहीं निकाल सकता. क्या बात. कुछ पूछना है पूछ लो, अभी मौका है. फिर बाद में मेरे को नहीं बोला, मेरे को मौका नहीं दिया. पहले तो आप बहुत खूबसूरत दिखती है. मैम, मैं ना जब भी हर हीरोइन को देखती हूँ ना, मेरे मन में हमेशा एक सवाल आता है. जैसे मुझे साड़ियाँ बहुत पसंद है, और आप जो फिल्म में साड़ी पहनती हो, वाह, देख के ऐसे लगता है ये साड़ी इस फिल्म में कितनी अच्छी थी. मैं चूनाभट्टी में रहती हूँ, हम लोग दादर, चेंबूर, हिंद माता यहाँ जाते हैं साड़ी के खरीदने के लिए और मार्केटिंग करते. अगर 2000 की मतलब हम 1200 में मिलेगी क्या, ऐसे बोलते हैं हम लोग. तो आप भी लोकल मार्केट में कभी जाती हो क्या, मोल भाव करती हो क्या? मैं भी उस तरह का शॉपिंग करना मुझे बहुत पसंद है. अरे वाह. पर बात यह है कि मैं कैसे जाऊं? होते तो मैंने एक राजस्थानी घूंघट ओढ़ लिया. ओहो. ओढ़ के मैं ऐसे जाती थी, और जो मुझे चाहिए मैं ऐसे इशारा करती थी, और मैं घूंघट ऐसे उठा के वो साड़ी का कलर वाला देख लिया, और मैं, मेरे पीछे जितने लोग होते हैं वो लोग खरीद के आ जाते हैं. तो इसीलिए हम घूंघट ओढ़ के चले जाते हैं. Oh, और मुझे अच्छा लगता है ऐसे जो शॉपिंग करना. तुझ संग प्रीत लगाई सजना, सजना सजना ओ रामा. तुझ संग प्रीत लगाई सजना, सजना सजना ओ रामा. हाय बेदर्दी, हाय बेदर्दी, तुझ संग प्रीत लगाई सजना, सजना सजना ओ रामा. आजा तेरे हाथों में मेहंदी लगा दूं, गोरी गोरी बाँ
बाहों पे कंगना चढ़ा दूं। काली घटाओं का कजरा लगा दूं, काली घटाओं का कजरा लगा दूं। एक तू ही मन को है भाई सजना, सजना, सजना। तुझ संग फिर से भाई सजना, सजना, सजना। तुमसे बढ़कर दुनिया में, तुमसे बढ़कर दुनिया मैं न देखा कोई, और जुबा पर आज दिल की बात आ गई। तुमसे बढ़कर दुनिया मैं न देखा कोई, और जुबा पर आज दिल की बात आ गई। खूब आंखें हैं तेरी, इनमें जिंदगानी है मेरी। क्या खूब आंखें हैं तेरी, इनमें जिंदगानी है मेरी। जी लेंगे हम देख देख के इनको। क्या खूब आंखें हैं तेरी, तू ही तू ख्वाबों में, तू ही तू ख्वाबों में है न दूजा कोई, और जुबा पर आज दिल की बात आ गई। तुमसे बढ़कर दुनिया मैं न देखा कोई, और जुबा पर आज दिल की बात आ गई, आज दिल की बात आ गई, आज दिल की बात आ गई। क्या बात है, व्हाट अ परफॉर्मेंस निहाल के लिए, एक बार जोरदार ताला हो जाए। फैंटास्टिक। किशोर दा को हम अभी भी बहुत मिस करते हैं, उनके अंदाज जो जिस तरह गाते हैं और यू नो आंखों के लिए जो एक्सप्रेशन दिया, क्या खूब आंखें हैं तेरी, वाह 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 क्या बात है। आप में मैं किशोर दा को देख रही हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच। निहाल, जेन्युइनली ये आपके स्टाइल के गाने नहीं है। निहाल जो है, जया जी, इज अ वेरी मॉडर्न सिंगर। ये गाने निहाल ने शायद सुने भी नहीं होंगे लाइफ में, तैयार करने के पहले सुने भी नहीं होंगे ना, थोड़ा थोड़ा। एंड उसके बावजूद आपने इतना अच्छा गाया और इतने कन्विक्शन के साथ गाया, और आपकी आवाज में इतनी थ्रो, इतनी पावर, एंड ऐसा लग रहा था कि किशोर दा उनका हाथ आपके सर पे ऐसा लगा। थैंक यू सो मच। मैं निहाल से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। यस प्लीज। आप बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन आपसे एक कंप्लेंट है। जिस तरह आज किशोर दा का जो गाना आपने गा के परफॉर्म किया, लेकिन उस गाने का और आपके बालों का कुछ मैच नहीं है, तो आज मैं ये सोच रही हूँ कि कुछ तेल लाके और आपके सर पे मैं मसाज करूँ। ओह माय गॉड। कैसे लगेगा, और उस बाल को मैं ऐसे लपेट के बांधूं। मैं तो बोलता हूँ तुम शेव कर लो अपना सर और यहाँ के बैठ जाओ। इंडियन टेलीविजन पर पहली बार होने वाला है लिविंग लेजेंड जया जी हेड मसाज देने वाले हैं निहाल को। हेड मसाज, वाओ। बीच बीच में टपली भी मारना थोड़ा जरूरी है। हाँ, इतने से मुझे नहीं लगता काम चलेगा। कम से कम 150-200 लीटर इसके बालों पे लगने वाले, इतने बाल है इसके पास। Yeah.
अब मजा आएगा। अच्छी तरह से करिए, अच्छी तरह से। आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। कुछ ना ऐसे मजे लेके बिल्कुल खुशी। वाह। अरे राजा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण, लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए, काहे घबराए। अरे वाह, बस जोरदार ताले हो जाए जया जी के लिए। निहाल कैसा लगा तुम्हें? मैं सच बताऊं सर, मुझे मेरी नानी और मॉम की याद आ गई। हाय हाय, क्या बात है, अच्छा बच्चा है। बहुत टाइम से मैं घर नहीं गया तो उनकी याद आ गई। जब फिनाले इतना करीब है, अब तुमसे वही सवाल हम पूछना चाहेंगे कि ट्रॉफी या फिर बाल? निहाल अब क्या चुनेंगे, टॉप 14 की जगह या फिर अपने प्यारे प्यारे बाल? I choose my hair. He chooses hair. Bro, you are सर, अब मैं यहाँ बहुत टाइम से हूँ और मुझे पता है कि कितना इम्पोर्टेंट स्टेज है, सो ट्रॉफी। जोरदार ताला हो जाए जय जी के लिए। थैंक यू सो मच, आइए। थैंक यू सो मच निहाल, यू कैन प्लीज टेक अ सीट। मीना, अरे मीना, आ गया तेरा दीवाना, बता बता कहाँ है तेरा ठिकाना? हम बंदे हैं प्यार के, सबकी खैर अपनी सबसे दोस्ती नहीं किसी से बै। बीच खड़ी जो वो दीवार गिरा दे, हाँ दिल में सोई सोई ऐसी प्यार की जोत जगा दे। प्यार हो दिल में तो लगती है सारी दुनिया प्यारी, हम सारी दुनिया के सारी दुनिया हमारी, दे दे प्यार दे, प्यार दे दे हमें प्यार दे, ओ दे दे प्यार दे, प्यार दे प्यार दे दे हमें प्यार दे। अरे आने
को तो रोज है आते सूरज चांद सितारे, हाँ फिर भी अंधेरी है ये दुनिया, तू ही राह दिखा रे। प्रेम प्यार सुख चैन की वर्षा तेरी नजर से बरसे, ये दुख दर्द की आग बुझे ना दिल ना प्यासा तरसे, दे दे प्यार दे, प्यार दे दे हमें प्यार दे, ओ दे दे प्यार 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 दे दे हमें प्यार दे, आ दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे दे हमें प्यार दे, आ दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे दे हमें प्यार दे। Extraordinary. Wow. Tanish, superb, mind blowing. क्या बात है? Thank you. Thank you. ये गाना अगेन बापिदा गाना, जितना जो पेपी सॉन्ग है इसके पीछे अमी जी का एक कहानी है। इस गाने के अंदर जो है बहुत एक्टिव होना जरूरी है, लेकिन अमी जी तो ही इज ए लेजेंड, उनको अपने स्थिति को किस तरह एडवांटेज लेना है ही नोज इट, बिकॉज उनके हाथ ने जो फटाके जो जल गया हाथ, और फटाके फूटने के बाद उसको एक स्टाइल के नाते उन्होंने जेब में हाथ रखे, एक कर्चीफ डाल के हाथ रख लिया और वो गाना दे दे प्यार दे, दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे। तो उनका हाथ जला हुआ था? हाथ जला हुआ था। अच्छा, तो मुझे लगा वो स्टाइल था। उन्होंने एक स्टाइल बना दिया। वाओ, फैंटास्टिक। दानिश, एक बोल्ड जो अंदाज इस गाने में किशोरदा का चाहिए वो भी तुमने निभाया, अपनी सिंगिंग से जो तुम्हें एक परफॉर्मर की तरह निकल के आना चाहिए था इस गाने में, यू वर सिंगिंग एफर्टलेसली एवरी टाइम, तुम कोशिश नहीं करते अपनी सिंगिंग में, वो तुम्हारी सबसे खास बात है, वेरी वेरी नाइस। लेकिन मैं एक तुम्हारी सिंगिंग के लिए बात जरूर कहना चाहूंगा कि जब तुम गा रहे थे सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे सिवाय हानिकारक बापू के। हानिकारक बापू जो थे वो इतने गंभीर बन के देख रहे थे, कहीं ना कहीं मैसेज आप पहुंचाना चाहते थे, दे दे प्यार दे, हैं? किसको पहुंचाना चाहते हैं? मेरे बारे में सर हिमेश सर इतना कहते हैं, हाँ। तो मेरे अंदर से वही फिर इंस्पिरेशन या फिर प्रेरणा जगती है कि अच्छा। मैं कुछ ना कुछ करके दिखाऊं। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ इसलिए, हानिकारक बापू है ही इतने बड़े स्टार, आज जया जी भी है और वो आपका डांस करके आपको दिखाना है, दानिश ने इतना ग्रेट परफॉर्म किया है, आज सब लोग करेंगे दे दे प्यार दे पे हमारे हानिकारक बापू का डांस, तालियां, चलो। ओ दे दे प्यार दे, दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे दे हमें प्यार दे, आ दे दे प्यार 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 दे दे हमें प्यार दे। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने इतने अच्छे अच्छे यू नो बड़े कमाल के ग्रेटेस्ट सॉन्ग्स आपने यू नो दिए हमें, लेकिन ऐसा कोई एक गाना या फिर ऐसी कोई एक जो आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट रहा हो, यू नो मेरे जो जितने सॉन्ग्स हैं वो सब लंबे लंबे सॉन्ग्स हैं, मतलब वेरी लाइक 6 मिनट्स 5 मिनट्स, डफली वाले डफली बजे, ये गाने में सिर्फ एक ही दिन मिला, वन डे। हाँ, तो हम लोगों ने हड़बड़ हड़बड़ में जिस दिन पैकअप करना था उस दिन हम लोगों को शूटिंग रखा था। मजे की बात ये है वो गाना अभी भी लोग जो है उसको सुनते हैं, थिएटर में जब फिल्म चल रही थी तो थिएटर में उसको रोकते थे फिल्म को और ये गाना फिर से रिपीट करते थे, फिर इसमें सिक्के लगाते थे, सिक्के यू नो फेंकते थे, तो उसको इसका नाम रखा है 1 करोड़ सॉन्ग। क्या कहानी है गाइस, जोरदार तालियां हो जाए जया जी के लिए। अभी भी मुझे जयप्रदा से ज्यादा डफली वाले के नाम से ही जानते हैं लोग। प्रेजेंटिंग जयप्रदा जी एंड दानिश उर्फ ऋषि जी।
Fantastic and thank you so much, Jaya ji. आइए मैं आपको आपके सिंहासन तक पहुंचा देता हूँ. बात है यार, ये डफली आपके जैकेट से मैचिंग काफी कर रही है. आप ये डफली अपने पास रखिए, मैच हो रहा है काफी. क्या गाना है मैम. हिमेश जी, मैं एक बात बताना चाहती हूँ. एक्चुअली दानिश को नीतू जी खुद कह रही थी कि कहीं ना कहीं कुछ शेड्स है ऋषि कपूर जी के. बिल्कुल. Doesn't he look like ऋषि जी little bit? उनके यू नो परफॉर्मेंस में या उनके अंदाज में. तो आज मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि एकदम आप फिट है दे दे प्यार दे या डफली वाले डफली बजाए. पर मैं ऋषि जी को मैं बहुत मिस करती हूँ आज. एनीवे, टुडे वी शुड नॉट यू नो नॉट यस ऑलवेज वी शुड लाफ. All the best and बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. Congratulations for you. जया जी, एक बात तो हम सब जानते हैं कि आपने एक से बढ़कर एक सुपर हिट फिल्म्स दी है और सारे एक्टर्स के साथ आपने काम किए हैं और 8 languages में आपने काम किया है और 300 films में आपने काम किया है.
तो हम एक गेम खेलते हैं जहाँ पर अब मैं आपको यहाँ पर कुछ एक्टर्स के फोटोज लाऊंगा और कुछ सवाल पूछूंगा। अच्छा, देखकर फंसाने वाला है। जनता जानना चाहती है, जनता के कुछ सवाल है, हमारे नहीं है। पहले वो फोटोज यहाँ पर स्क्रीन पर लेकर आइए। ओहो, क्या बात है, क्या हीरोज के साथ काम किए हैं आपने जया जी, मतलब कमाल है। तो अब आपका पहला सवाल ये है कि इनमें से सबसे दर्दनाक डांसर कौन था? नॉर्मली क्या होता है कि हीरोइन को ज्यादा स्टेप्स दे देते हैं। अच्छा, लेकिन एक ऐसे हमारे हीरो हैं, ज्यादा उनको स्टेप्स देते हैं, हमको उनको देख के सीखना होता है। कौन है वो? वो है हमारे जीतू जी। प्यार का जीतू जी, ओहो। अच्छा, और आपको फिर जेलेस होता था कि इनको क्यों ज्यादा स्टेप दे रहे हैं? नहीं, हमको कंपटीशन होता है ना, कि हम लोगों को देख के परफेक्ट, और हीरो होके वो अगर परफेक्ट करते हैं तो हम हीरोइन होके उनके बराबर के जो कौन है जो अपनी बीवी का जोरू का गुलाम था उस वक्त में? कौन नहीं होते हैं जोरू का गुलाम। ये तो बात सही की। अब हिमेश से ये बात पूछिए। हिमेश को हिमेश जी, मैं तो हूँ भाई जोरू का गुलाम। बिल्कुल ऑपोजिट ऑफ जय। क्यों भाई? जय, तुम इतनी माई की बुराई करते हो, वो है तुम्हारी एकदम, तुम्हें प्यार करती है। और देखा, फंसाया मैंने। हिम्मत हिम्मत है, रोज मार खाने की हिम्मत होनी चाहिए तब ऐसे कोई डायलॉग बोल सकता है। अच्छा, इनमें से सबसे ज्यादा रोमांटिक सीन में किसके पसीने छूटते थे? धर्म जी। धर्म जी, धर्म जी। ओ, पसीने छूटते थे। हीरो से ज्यादा मुझे एक फ्रेंड नजर आते हैं, लेकिन जो रिहर्सल में करते हैं वो टेक में नहीं होता है। ओहो, ओहो। क्योंकि एक टेक में कुछ और करते हैं। प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, दिल के सहारे मैंने पा लिए, जिनको और क्या चाहिए। तोहफा 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 तोहफा, प्यार
प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा दिल के सहारे मैंने पा लिए जिनको और क्या चाहिए तोहफा 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 सच में तोहफा ही था ये जोरदार ताली हो जाए दानिश और अरुणिता के लिए वाकई मुझे ऐसा लग रहा था कि जो ओरिजिनल वर्शन में जब रिकॉर्डिंग हो रहा था तो कैसे लगता है कि हम सुनने जाते थे तो वैसा ही मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वापस उधर चली गई आप दोनों का इतना अच्छा वही मेलोडी वही क्लैरिटी वही सुर वाह 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 क्या बात है थैंक्स अ लॉट वंस अगेन गॉड ब्लेस यू बोथ सुर ताल और तालमेल इस गाने की बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है और बहुत ही अच्छा गाया आप दोनों ने बहुत तालमेल के साथ गाया और वो बहुत अच्छी बात है लेकिन एक इंसिडेंट हमने सुना है पता नहीं आप ही बता सकते हैं कि जीतू जी और राजेश खन्ना जी ने एक बार आप दोनों की दोस्ती करवाने के लिए वैन में बंद कर दिया था कमरे में अच्छा दोनों ने मकसद फिल्म थी और लंच टाइम पे हम दोनों को जीतू जी और राजेश खन्ना जी हम दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया और एक घंटे के लिए बंद कर दिया मतलब उन्होंने सोचा था कि कम से कम एक दूसरे के लिए जरूरत हो तो बात भी कर सकते हैं या मिल भी सकते हैं दोनों आपस में एक काम एटमॉस्फेयर हो जाए लेकिन उस तरफ श्रीदेवी जी बैठी थी मैं इस तरफ जयप्रदा बैठी थी और एक दो घंटा हम बिल्कुल बात नहीं की कमरे में लॉक होने के बावजूद जीतू जी तंग हो गए परेशान हो गए फिर उन्होंने दरवाज़ा खोला अब बताओ क्या हुआ मैंने बोला कुछ नहीं हुआ श्रीदेव जी ने हंस के चली गई मैं भी चली यार क्या कमाल की ये कहानी है आई फील टुडे यू नो आई मिस हर यू नो मैं अकेली हो गई कम से कम हम दोनों का कंपटीशन तो होता बट टुडे आई एम रियली अलोन वो जोड़ी खत्म हो गई मैं इस प्लेटफॉर्म से ये कहना चाहती हूँ कि शायद श्रीदेवी जी ऊपर से सुन रही होंगी कि कंपटीशन ही सही नफरत ही सही लेकिन आप अगर हमारे सामने होती तो बहुत अच्छा होता काश हम दोनों बातें करते मैम जो आपने बात अभी कही है ये इतने बड़े दिल वाली बात है कि अगर आपसे किसी का रिश्ता अगर अच्छा ना हो सालों साल तक लेकिन फिर भी उनके जाने के बाद उनको याद करना कि वो मेरी कंपटीशन थी हम एक दूसरे को बेहतर बनाते थे बात नहीं कर रहे थे लेकिन कम्पीट करके भी एक दूसरे को बेहतर बनाते थे और उस लाइट में किसी को याद करना ये बहुत बड़े दिल की निशानी है वेरी ग्रेशियस ऑफ यू हर कपड़ा खिलता है सुंदर है तू हसी बोलो इन कपड़ों में लगती हूँ मैं कैसी हर कपड़ा
कपड़ा खिलता है, सुंदर है तू ऐसी, आगे तेरे कोई है क्या परी क्या अप्सरा। मुश्किल ये क्या हो गई, तेरे बदन में तूफान उठा दो सौड़ी हवा। आप लोग दोनों ने एक ऐसा लगा कि दोनों कंपटीशन में एक दूसरे से, मतलब जो ओरिजिनल में जिस तरह हम लोग फील करते थे वैसे ही एकदम इन्होंने दिया है, सेम फील, सेम फील। रियली कंग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। साइली आपने शुरुआत कमाल की, निहाल आपकी आवाज मतलब ऐसा जब वो जो एटीट्यूड चाहिए होता है ऐसे गाने में, बिल्कुल लाइक नो डाउट आपकी आवाज में वो एटीट्यूड है। आपने हर वर्ड को एक्सप्रेस किया जैसे एक्सप्रेस होना चाहिए, जो मेरे लिए एज अ लिसनर ये बहुत जरूरी है कि सिंगर ऐसा करे। सो ग्रेट जॉब, ग्रेट जॉब। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।